Hello children, welcome to Asa Education. Aaj hum kar rahe hain chapter Administrative System and Architecture during the Medieval Age. Social Science Book, Semester 1, Grade 7C. Kasam means Lok Dairo, a group of folk singers was organized in the village square and the entire village had gathered there at night. कसम मीर का जो लोक दायरो है, लोक दायरो का मतलब हो गया एक ऐसा ग्रुप जो फोक सिंगर्स का होता है, उसको ऑर्गेनाइज किया गया गांव के एक चौक के इलाके में और पूरा गांव जो है वो वहां पर रात में इकट्ठा हो गया था. स्मॉल चिल्ड्रन हैड ऑलरेडी टेकन देयर पोजीशंस इन द फ्रंट रो, जो आगे की रो होती है उसमें जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने अपनी जगह ले ली थी. पेट्रियोटिक सॉन्ग्स वर ऑल्सो बींग सन एट द लोक दायरो अलॉन्ग विद द फोक सॉन्ग्स. तो जो देशभक्ति के गाने हैं वो भी लोक दायरों में गाए जा रहे थे, जो लोकल फोक सॉन्ग्स होते हैं उसके अलावा. उत्सव लाइक द पैलिया रिसाइटल वेरी मच, उत्सव को जो पैलिया रिसाइटल था यानी कि वो गाने जो कि शहीदों की याद में गाए जा रहे थे वो बहुत ज्यादा पसंद आए. द नेक्स्ट डे ही आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर व्हाट डस पैलिया मीन. अब अगले दिन उसने जो है ग्रैंडफादर से पूछा कि ये बताइए पैलिया का मतलब क्या होता है. His grandfather told him that a palia is a memorial commemorating the heroes. तो grandfather ने बोला कि जो palia होता है वो एक तरह से जो शहीद लोग होते हैं, जो वीर लोग होते हैं, उनकी यादों को जो है ताजा किया जाता है गानों के थ्रू. It is a tribute to martyrs who have sacrificed their lives while protecting and ensuring the welfare of the people. जिन लोगों ने लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी, उनको एक तरह से हम रिस्पेक्ट शो करते हैं. दीज पैलियाज आर वर्शिप ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड सॉन्ग्स आर सॉन्ग एज होमेज टू दीज मार्टियर्स. तो ये जो पैलियाज हैं ये त्योहार जो होते हैं उस टाइम पर गाए जाते हैं और खास तौर से जो गाने हैं वो इन शहीदों की याद में ही ज्यादा गाए जाते हैं. दिस इज द कल्चर ऑफ अवर कंट्री, और यही हमारे जो कंट्री है उसकी संस्कृति है. मतलब ये है कि हम जो शहीद हैं उनको याद कैसे करते हैं, उनकी उनके जो गाने हैं, उनकी जो बहादुरी थी उसके किस्सों को याद करते हैं गाने के थ्रू, उनको एक तरह से अपनी तरफ से रिस्पेक्ट देते हैं. उत्सव हैड हिज फ्रेंड रिक्वेस्टेड हिज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर प्लीज एनलाइटन अस अबाउट द कल्चर ऑफ अवर कंट्री. अब उत्सव और उसके दोस्त जो थे उन्होंने रिक्वेस्ट करी ग्रैंडफादर से कि क्यों ना आप हमारे को हमारी जो कंट्री की संस्कृति है उसके बारे में और बताएं. Wait, said grandpa. He went in and came back with some pictures. फिर grandpa ने कहा अच्छा रुको. फिर वो अंदर गए और वहां से कुछ pictures लेकर आए. He then asked Utsav, can you see temples in these pictures? अब उन्होंने बोला कि देखो तुम्हें इन pictures में मंदिर दिखाई दे रहे हैं. It seems as if these stones have their own stories to narrate, isn't it? इन पत्थरों को देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे ये अपनी खुद की कुछ कहानी है जिसे बताना चाहते हैं. Today I shall tell you about the civilization and culture of the Rajputish. तो आज मैं तुम्हारे को जो है वो जो एक युग था जब ये जो संस्कृति थी राजपूत की उनके बारे में बताता हूँ. जो सभ्यता थी और जो संस्कृति थी राजपूत के दौर की वो तुम्हारे को मैं इसके माध्यम से बताऊंगा. Administrative system during the Rajput age. During the Rajput era, India was not ruled by any one king. जिस टाइम पे राजपूतों का राज था या उस टाइम पे जो युग था, इंडिया में जो है खाली एक ही किंग रूल कर रहा हो ऐसा नहीं था. India was divided into big and small states, and the extent of each kingdom depended on the king's military powers. अब इंडिया जो है वो एक नहीं था, बहुत छोटे बड़े राज्य थे और हर राज्य जो है वो डिपेंड करता था कि जो किंग है उसकी मिलिट्री पावर कितनी है. You have been briefed about the Rajput kings and dynasties in the previous chapter. अभी पहले जो chapter पढ़े हैं उनमें Rajput kings और dynasties के बारे में आपको पता चला होगा. In this chapter, you will learn about their administrative system, literature, architecture and external invasions during that time. अब इस chapter में हम जानेंगे कि उनका administrative system कैसा था, literature पर उनकी कैसी दिलचस्पी थी, architecture और जो उन्होंने और दूसरे जो जगह पे थी जिन पर उन्होंने अटैक किए, जीत हासिल करी अपने समय में, उसके बारे में जानेंगे. Administrative system. After the 7th century, various Rajput dynasties ruled in India. 7th century के बाद बहुत सारी Rajput dynasties थी जिन्होंने इंडिया पर रूल किया. However, even though different dynasties came to power, there was little change in the administrative system. अलग अलग डायनेस्टीज जो हैं वो पावर में आई लेकिन बहुत कम चेंज हुआ उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में. दो किंगशिप वॉज हेरिडिट्री, इट वॉज नॉट कंपल्सरी दैट द एल्डेस्ट सन वुड ऑलवेज ऑटोमेटिकली बिकम द नेक्स्ट किंग. कहने को
जो हेरिडिटल चल रहा था कि एक के बाद दूसरा राजगद्दी संभालेगा, बेटे के बाद उनका बेटा बैठेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि सबसे बड़ा लड़का जो है वही ऑटोमेटिकली किंग बन जाएगा। द हायर अपेरेंट सेलेक्टेड बाय द किंग वॉज कॉल्ड द क्राउन प्रिंस। जिसको भी सेलेक्ट किया जाता था किंग के द्वारा उसे क्राउन प्रिंस कहते थे। इन सम केसेस इवन पीपल एंड मिनिस्टर्स इलेक्टेड और सेलेक्ट देयर किंग। कई जगह पे ऐसा भी होता था कि लोग या जो मंत्री लोग हैं वो चुनते थे अपने राजा को। फॉर एग्जाम्पल वाइल इन कश्मीर किंग यशकारा वॉज सेलेक्टेड एंड एनथ्रोन्ड बाय द ब्राह्मण ग्रुप। इसी तरह से कश्मीर का अगर एग्जाम्पल लें तो जो किंग यशकारा थे उनको सेलेक्ट किया गया था और ब्राह्मण ग्रुप द्वारा उनको गद्दी पर बिठाया गया था। इन गुजरात कुमार पाल वॉज सेलेक्टेड एज अ सक्सेसर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसी तरह से गुजरात में कुमार पाल को जो है उत्तराधिकारी मानकर एक तरह से चुना गया था जो मंत्री लोग थे उनके द्वारा। द मिनिस्टर्स वर अपॉइंटेड टू असिस्ट द किंग टू एडमिनिस्टर एंड मैनेज द किंग इफेक्टिवली। अब मिनिस्टर्स जो है उनको अपॉइंट इसीलिए किया जाता था ताकि जो उनका पूरा राजकाज है उसको सही से चला सके, उसको सलाह अच्छी दी जाए, साथ ही साथ सही से किंगडम को मैनेज किया जा सके। येट एट टाइम्स पीपल बिकम विक्टिम ऑफ पुअर रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। पर कई बार ऐसा हो जाता था कि लोग जो हैं गरीब हो जो हैं उसका शिकार हो जाते थे, गरीबी का शिकार हो जाते थे, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन की गलत नीतियाँ होती थी उनकी वजह से जो है उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द विलेजेस। विलेज इंस्टीट्यूशंस वर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड के दौरान जो विलेज इंस्टीट्यूशंस थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। द पंचायत लुक्ड आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। पंचायत जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी। द हेड ऑफ द पंचायत वॉज कॉल्ड द मुखी और सरपंच एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड डिलीवरिंग जस्टिस टू द विलेजर्स। जो हेड होते थे पंचायत के उनको जो है मुखी कहा जाता था या सरपंच कहा जाता था और उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती थी कि वो लोगों की सुरक्षा करें, गाँव वालों की सुरक्षा करें, साथ ही साथ उनको न्याय दें। हिज वॉज द फाइनल वर्ड। अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो फिर वो जो है आखिरी वर्ड माना जाता था कि अब उसके अलावा और कोई सुनवाई नहीं होगी। स्टिल इन मैनी केसेज द ग्राम सभा वुड ऑल्सो गिव वर्डिक्ट एंड पनिश कल्प्रिट्स। कुछ ऐसे केसेस थे जिसमें ग्राम सभा भी जो है अपना पनिशमेंट सुना सकती थी और जो दोषी होते थे उनको सजा दे सकती थी। इवन टूडे एट द विलेज लेवल द ग्राम पंचायत और द एल्डर्स ऑफ द पंचायत प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द पीपल। आज भी अगर गांव के स्तर पे देखा जाए तो जो ग्राम पंचायत हैं या जो एल्डर्स हैं पंचायत के वो ज़्यादातर लोगों को एक तरह से गाइडलाइंस बताते हैं। एट दैट टाइम लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन इनकम ऑफ द किंगडम। ज़मीन से जो इनकम आती थी वही एक तरह से मेन इनकम होती थी राज्य की। ईच किंगडम हैड डिफरेंट वे ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू बट यूजुअली द सिक्स्थ पार्ट ऑफ द कल्टिवेशन वॉज टेकन एज द लैंड रेवेन्यू। हर राज्य के अलग अलग तरीका था लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का, लेकिन जो पैदावार हुई उसका जो छठा हिस्सा है वो जो है कर के तौर पे जाता था या इनकम के तौर पे लैंड रेवेन्यू के तौर पे जाता था। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर टैक्सेस वर आल्सो लेवाइड ऑन द पीपल। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे जो लोगों पे लगाए जाते थे। डिफरेंट ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे। मोर ओवर टैक्सेस वर कलेक्टेड एट पोर्ट्स एंड ऑक्ट्री पॉइंट्स। ज़्यादातर जो टैक्सेस थे वो पोर्ट्स पे या जो ऑक्ट्रॉय पॉइंट्स होते हैं वहाँ कलेक्ट किए जाते थे। ऑक्ट्रॉय का मतलब होता है कि जहाँ से आप अपने जो शहर है या जो गांव है उसमें एंटर कर रहे हैं तो जो चुंगी होती है उस तरीके के जो पॉइंट्स होते थे वहाँ से इस जो टैक्स थे वो लिए जाते थे। लैंडलॉर्ड्स कलेक्टेड द टैक्स एंड पेड ट्रिब्यूट टू द किंग। ये जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे और फिर जाकर जो है जो ट्रिब्यूट्स होती हैं, जो तोहफे होते हैं या जो भी चीज़ें हैं वो राजा को देते थे। लिटरेचर। ड्यूरिंग द राजपूत देयर वाज अ लॉट ऑफ रिलीजियस राइटिंग एज वेल एज द लिटरेचर ऑफ वेरियस काइंड्स। राजपूत के ज़माने में बहुत ज़्यादा जो धार्मिक राइटिंग्स हैं वो मिली हैं, साथ ही साथ लिटरेचर अलग अलग तरीके का काफ़ी लिखा गया। स्कॉलर्स इन एजुकेशन रिसीव ग्रेट पैट्रोनेज फ्रॉम द किंग। जो स्कॉलर्स होते थे, जो पढ़ने लिखने वाले लोग होते थे, उनको राजा की काफ़ी सहायता मिलती थी। मैनी लिटरेरी वर्क्स वर कम्पोज इन संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु एक्सेट्रा। तो अलग अलग तरीके के लिटरेरी वर्क्स जो हैं वो अलग अलग भाषाओं में उनको बनाया गया था या लिखा गया। द ग्रेट संस्कृत पोएट माघ कम्पोज द एपिक शिशुपाल वध। इसी तरह से जो सबसे महान संस्कृत पोएट थे माघ, उन्होंने जो है शिशुपाल वध नाम का एपिक लिखा था। दिस एपिक डिस्क्राइब द किलिंग ऑफ शिशुपाल बाय श्री कृष्ण। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से शिशुपाल को जो है श्री कृष्ण द्वारा उनका वध किया गया। सिमिलरली अनदर पोएट श्री हर्ष रोट द एपिक नायशा
द चरित्र। इसी तरीके से जो एक और पोएट थे जिनका नाम है श्री हर्ष, उन्होंने लिखा था नायशा द चरित्र, विच इज अबाउट द स्टोरी ऑफ नल एंड दमयंती। अच्छा, इसमें जो स्टोरी दी है ये वो नल और दमयंती की है। इवन सॉन्ग्स बाय राधा एंड अदर गोपीज संग इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा वर प्रेजेंटेड इन द लिरिकल मैनर। इसके अलावा राधा और बाकी गोपियों द्वारा जो भगवान कृष्ण की तारीफ में जो गाने गाए गए उनको भी जो है एक गाने के अंदाज में लिखा गया है। द बायोग्राफी एंड अचीवमेंट ऑफ किंग्स वर ऑल्सो कम्पोज इन द पोएटिक मैनर। जो राजा होते थे उस जमाने में उनकी बायोग्राफी, उन्होंने क्या क्या हासिल किया, उन सबको भी एक पोएटिक अंदाज में लिखा गया है। हेमचंद आचार्य रोड कुमारपाल चरित्र बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सोलंकी किंग ऑफ गुजरात कुमारपाल एंड अ ग्रामर बुक सिद्धम शब्दानुशन शन। इसी तरीके से उन्होंने जो है एक और जो पोएट थे या राइटर कह सकते हैं हेमचंद आचार्य, जिन्होंने कुमारपाल चरित्र लिखा। कुमारपाल चरित्र जो है सोलंकी किंग जो गुजरात के थे कुमारपाल उनके बारे में है। साथ ही साथ एक ग्रामर बुक लिखी जिसका नाम है सिद्धम शब्दानुशम, ये जो है उन्होंने एक बुक लिखी। एज अ टाइटल इंडिकेट्स द नेम ऑफ द किंग सिद्धराज जय सिन्हा एंड हेमचंद आचार्य आर एसोसिएटेड विद दिस बुक। तो जो किंग के नाम थे सिद्धराज जय सिंह और हेमचंद आचार्य, इनसे ही एक तरह से नाम जो बुक के हैं वो जुड़े हुए हैं। दिस बुक वॉज कंसिडर्ड सो इम्पॉर्टेंट दैट इट वॉज प्लेस्ड ऑन एन एलिफेंट ड्यूरिंग द प्रोसेशन इन पतन। ये बुक जो है इसको इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया कि इसको जो है एक हाथी के ऊपर रख कर जब प्रोसेशन निकाला जा रहा था पतन में, तो हाथी के ऊपर रख कर इसको जो है घुमाया गया। नॉट ओनली पोएट्री बट प्लेज वर ऑल्सो रिटन ड्यूरिंग दैट टाइम। इस टाइम पे जो है खाली पोएट्री नहीं प्लेज भी लिखे गए, नाटक भी लिखे गए। भावभूति रोड उत्तम चरित्र वाइल पंडित नारायण कंपोज हितोपदेश अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बेस्ड ऑन पंचतंत्र। भावभूति ने जो है लिखा था उत्तर रामचरित्र, जबकि पंडित नारायण जो थे उन्होंने हितोपदेश लिखा जो कि कलेक्शन था स्टोरीज का पंचतंत्र की कहानियों पर जो बेस था। आइदर योर स्कूल और नियर बाई लाइब्रेरी मस्ट बी हैविंग बुक्स कंटेनिंग द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज और फोक टेल। इसी तरह से आपके स्कूल में या जो पास की लाइब्रेरी होगी वहाँ ऐसी कई सारी किताबें होंगी जिनमें से कि स्टोरीज या जो लोक कथा होती हैं वो सब मौजूद होंगी। लेट अस नाउ डू अ रीडिंग एक्टिविटी। अब आपके यहाँ पे रीडिंग एक्टिविटी के तौर पे पोएट उनके वर्क जो है उनको दिया गया है। थर्ड था आर्किटेक्चर। अमंग द वेरियस कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द राजपूत एज टेम्पल कंस्ट्रक्शन इज नोटवर्दी। सबसे ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो राजपूत एज के दौरान हुआ, लेकिन उसमें टेम्पल्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। द राजपूत किंग्स वर फॉन्ड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्रैंड एंड आर्टिस्टिक बिल्डिंग्स। राजपूत राजा जो है बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता था जो कंस्ट्रक्शन कराते थे काफ़ी भव्य और बड़ी कलात्मक टाइप की बिल्डिंग्स बनवाने का। द आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ऑफ दैट टाइम इज एविडेंट फ्रॉम द टेम्पल्स फोर्ट्स पैलेसेस लेक्स एट्सेट्रा। तो उस ज़माने के जो टेम्पल्स हैं फोर्ट्स हैं पैलेसेस हैं या लेक्स हैं उनको देखकर पता चलता है कि किस तरह का आर्किटेक्चर या स्कल्पचर रहा होगा। अमंग द टेम्पल्स खजुराहो इन मध्य प्रदेश एंड पूरी टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ आर फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। अब वो जो टेम्पल्स थे उसमें खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है और जो पूरी टेम्पल है लॉर्ड जगन्नाथ का, ये अपने आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के लिए काफ़ी फेमस हैं। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वॉज ऑल्सो बिल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। इसी तरह से जो सन टेम्पल है कोणार्क में उसे भी इसी दौर में बनवाया गया था। कोणार्क टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड विद ग्रेट फिनिश एंड वॉज शेप्ड लाइक अ चैरियट ड्रिवन बाय सेवन हॉर्सेस। जो कोणार्क टेम्पल है उसको जो बनवाया गया था उसमें बड़ी एक तरह से कहना चाहिए अच्छे से उसको बनवाया गया था, सोच के बनवाया गया था कि उसका जो आकार दिया गया है वो एक रथ की तरह दिया गया था जिसको सात घोड़े खींच रहे थे। अमंग द अदर सन टेम्पल्स ऑफ इंडिया द मार्तन टेम्पल ऑफ कश्मीर एंड द मोधेरा सन टेम्पल ऑफ गुजरात आर फेमस। इसके अलावा जो सन टेम्पल्स और बने उसमें मार्तन टेम्पल जो कश्मीर का है या जो मोधेरा सन टेम्पल है गुजरात का वो काफ़ी फेमस हैं। अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द मोधेरा टेम्पल इज द फर्स्ट रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द आइडियल। सबसे खास बात जो मोधेरा टेम्पल की है वो ये है कि जो सूरज की सबसे पहली किरण है वो मूर्ति पर पड़ती है। The Ellora Caves of the Deccan have caves representing three religions, Hinduism, Buddhism and Jainism. अब Deccan की जो Ellora Caves हैं उन caves में भी तीन धर्मों को दर्शाया गया है, Hinduism को, Buddhism को और Jainism को। One among these is the Grand Kailash Temple. इसमें से एक जो प्रमुख है वो है भव्य कैलाश टेम्पल।
The elephant a caves near Mumbai have a beautiful three-faced sculpture of Lord Shiva. इसी तरह से जो एलिफेंटा केव्स है मुंबई के पास, वहां पर जो लॉर्ड शिवा की मूर्ति है वो थ्री फेस्ड है. द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई इज फेमस ऑल ओवर इंडिया. इसी तरह से मीनाक्षी टेम्पल जो मदुरई में है वो पूरे इंडिया में काफी फेमस है. द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर स्पेशली नोन फॉर देयर इम्पोजिंग ग्रेट वेज कॉल्ड गोपुरम्स. अब जो टेम्पल्स है साउथ इंडिया के वो खास तौर से उनके जो बड़े बड़े गेटवेज हैं उसके लिए जाने जाते हैं जिनको गोपुरम्स कहते हैं. आफ्टर हियरिंग अबाउट द फेम ऑफ सच ग्रैंड टेम्पल्स मेनी फॉरेन इन्वेडर्स केम टू लूट देम. जब ये पता चला कि इतने ज्यादा भव्य टेम्पल्स हैं तो उसके अंदर काफी ज्यादा उनको संपन्नता दिख रही थी, तो इसीलिए बहुत सारे बाहर के जो फॉरेन इन्वेडर्स थे वो उनको लूटने के लिए आए थे. द मैग्निफिसेंट सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात वॉज अटैक मेनी टाइम्स. तो जो गुजरात का फेमस सोमनाथ टेम्पल है उसके ऊपर भी काफी बार हमला हो चुका था. मोहम्मद गजनी दो दराजपूत इज वेल नोन फॉर इट्स वैलर एंड सेक्रीफाइस. इट ऑल्सो सॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेनी ब्यूटीफुल एंड इम्पोजिंग बिल्डिंग्स. जब राजपूत का दौर था उस समय जो राजपूत थे वो अपने बहादुरी के लिए, अपनी सेक्रीफाइस के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते थे. लेकिन उसी जमाने में बहुत ही सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हुआ. मैनी फॉरेन इन्वेडर्स इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड. बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स जो हैं उन्होंने इंडिया पर आक्रमण किया. मोहम्मद महमूद गजनी द सुल्तान ऑफ गजना अटैक इंडिया मेनी टाइम्स बिटवीन 1000 CE एंड 1075 CE. महमूद गजनी जो थे, जो कि सुल्तान थे गजना के, उन्होंने इंडिया पे काफी बार अटैक किया 1000 CE से 1075 CE तक के बीच में. इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द अटैक्स ही कंटिन्यू टू प्लंडर इंडिया विद फुल फोर्स. उन्हें बहुत मुश्किलें आती थी इस अटैक के दौरान, लेकिन तब भी उन्होंने जो है इंडिया पर आक्रमण करना कम नहीं किया, पूरी ताकत के साथ आक्रमण करते थे. ड्यूरिंग वन सच अटैक व्हेन गुजरात वाज अंडर भीमदेव सोलंकी रूल ही प्लंडर्ड सोमनाथ. जब इसी तरह का एक अटैक किया उन्होंने, तो जो उस टाइम पर गुजरात में भीमदेव सोलंकी का रूल था, तो उन्होंने जो है एक तरह से सोमनाथ पे अपना अटैक कर दिया. Many peoples from Saurashtra and Gujarat joined Bhimdev Solanki and tried to protect Somnath but failed. अब बहुत सारे लोग जो सौराष्ट्र और गुजरात के थे उन्होंने ज्वाइन किया आपस में, ताकि जो भीमदेव सोलंकी है उनके साथ मिलके अपने इस सोमनाथ टेम्पल की रक्षा कर सके, लेकिन मतलब वो लोग हार गए. चेंज ऑफ पावर एट दिल्ली. आफ्टर द डिमाइस ऑफ महमूद गजनी द लीडर्स ऑफ गजना स्टार्टेड वाइंग फ्रॉम द थ्रोन. अब जब महमूद गजनी की डेथ हो गई, उसके बाद जो और लीडर्स थे गजना के, अब वो थ्रोन के पीछे लग गए. हाउएवर द राजपूत किंग्स डिड नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ दिस वीकनेस. लेकिन राजपूत किंग ने जो इसका फायदा नहीं उठाया. मीनवाइल शहाबुद्दीन गौरी एस्टैब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग रूल इन गजना एंड डिसाइडेड टू अटैक इंडिया. अब इतने बीच में जो शहाबुद्दीन गौरी थे उनका काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया था गजना पे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो इंडिया पे अटैक करेंगे. हिज इंटेंशन वॉज नॉट टू लूट बट एस्टैब्लिश हिज रूल हियर. वो लूटना नहीं आना चाहते थे, बल्कि वो जो है अपने आप को यहाँ पर राज करवाना चाहते थे. इनिशियली ही वाजंट सक्सेसफुल, पर शुरू में तो वो सक्सेसफुल नहीं हुए. ही कुड नॉट फॉरगेट हिज डिफीट बाय क्वीन नायका देवी ऑफ अनहिलवाड़ पटन एंड देयरफॉर डिड नॉट अटैक इंडिया फॉर 12 years. अब वो जो क्वीन नायका देवी थी अहिलवाड़ पटन की, उससे हार गए थे और इसी वजह से उन्होंने 12 साल तक फिर इंडिया पे अटैक नहीं किया. फाइनली इज द सेकेंड टाइम ही अटैक दिल्ली. पर दूसरी बार उन्होंने जब अटैक किया तो दिल्ली पर अटैक किया. पृथ्वीराज फॉट ब्रेवली बट विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन और हेल्प फ्रॉम अदर राजपूत किंग्स. पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन और बाकी लोगों से जो राजा लोग थे राजपूत, उनसे ना तो वो हेल्प ले पाए और ना पहले से तैयारी कर पाए. विद हिज डिफीट द राजपूत रूल केम टू एन एंड इन दिल्ली. और उनके कहना चाहिए हारने के बाद से राजपूत रूल जो था वो दिल्ली में खत्म हो गया. As a result, Shahabuddin established his rule there and extended his kingdom. अब उसका नतीजा क्या हुआ कि Shahabuddin जो है उन्होंने अपना राज वहां पे establish कर लिया और फिर अपने kingdom को और ज्यादा फैलाने लग गए. After Shahabuddin, his slave Qutubuddin Aibak extended the throne. He was known as the founder of the slave dynasty. Shahabuddin के बाद उनके जो गुलाम थे, जो उनके commander भी थे Qutubuddin Aibak, अब उन्होंने राजगद्दी संभाली और उनको माना जाता है कि वो founder थे slave dynasty के. With this, राजपूत रूल केम टू एन एंड इन दिल्ली. देयर वाज अ चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी. इसके साथ ही राजपूत रूल जो था दिल्ली में वो खत्म हो गया. जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो सोसाइटी थी, उसमें भी काफी बदलाव आ गया. व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टुक प्लेस एंड व्हाई, थिंक अबाउट द क्वेश्चन लाइक दिस. अब सोच सकते हो आप कि किस तरह के बदलाव हुए होंगे, क्यों हुए होंगे जब राजपूत की रूल्स की जगह अब
दूसरे बैठ गए, कुतुबुद्दीन बैठ गए, तो उनकी थिंकिंग जिस तरह से होगी उन्होंने उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन करवाया. इन प्लेस ऑफ वैलर एंड सेक्रीफाइस पीपल स्टार्टेड कंस्पायरिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड फॉर पावर. अब अभी तक जहाँ एक तरफ लोग बहादुरी दिखाते थे, जान देते थे अपने देश के लिए, अब वो खत्म हो गया था. लोगों ने उसकी जगह एक दूसरे के प्रति जो है अब जैसे षड्यंत्र करना शुरू कर दिया था ताकि किसको पावर मिल जाए. द थ्रोन ऑफ दिल्ली वाज स्टेन्ड विद ब्लड. तो एक तरह से कहना चाहिए दिल्ली का जो तख्त था वो खून से सना हुआ था, मतलब उस पर बैठने के लिए कितने सारे लोगों का खून बहाया जाता था. तो ये था आपका चैप्टर. समझ में आया? अच्छा लगा? सब्सक्राइब करो माई चैनल आशा एजुकेशन. बाय.